काम कार तो बिल्कुल मंदा पै गया जी, बाजार एकदम सुन्ने पे, कोई रौनक नहीं हैगी बाजार च, सवेरे निकलना ही बड़ा औखा होंदा। सवेरे आने से बहुत दिक्कत होती है, धुंद बड़ी होती है, ठंड में हाथ पैर ठंडे हो जाते, धुंद भी जल्दी पै जाती है, जिदे करके कस्टमर अपने घर वापस चले जाता है, तो काम कार में काफी इफेक्ट पै रहा इस चीज का। काम करते हैं तो भाजी बहुत इफेक्ट रहा, ये की होंगे कि जो तक दिन शुरू होंगे धुंद रही है, 12-1 बजे तक धुंद रही हाईवे पर, जो कस्टमर शहरों बहर आने वाला होंगे ना वो दिक्कत आती है जी। जी सिंह जी, इस बार ठंड बहुत पै रही है, गल करिए जलंधर च भी तो काफ़ी जी धुंद भी पै रही है, ठंड भी पै रही, काम कार करने कितनी दिक्कत आ रही? काम कार तो बिल्कुल मंदा पै गया जी, बाजार एकदम सुन्ने पे, कोई रौनक नहीं हैगी बाजार, सवेरे निकलना ही बड़ा औखा होंगे। मैं तो ज़्यादातर बूटे बाटे लाना सेवा करता, तो सवेरे आने बहुत दिक्कत होती है, धुंद बड़ी होती है, ठंड में हाथ पैर ठंडे हो जाते, काम करना बहुत औखा हो जाता। लग रहा है काफ़ी नुकसान हो रहा है काम कार में, क्योंकि ठंड एकदम बहुत ज़्यादा पै रही है। हाँ जी, काम कार एकदम जीरो हो गया हमारे, 15-15 दिन तक बोनी नहीं होती, इन्ना काम डाउन हो गया जी, बहुत ही बुरा हाल जी। गल करिए हाईवे तो इस समय बहुत धुंद पै रही, जो बाहर निकलते लगता है कि दिक्कत आती पहुँचने वास्ते? हाँ जी हाँ जी, हाईवे तो बहुत ज़्यादा जी, गड्डिया किन्ने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उत्थे तो बहुत स्लो जाना चाहिए, अजकल तो यहोजा मौसम है कि अपना बचाव खुद करना चाहिए, जिन्ना स्लो चलेंगे उन्ना ही वधिया। लग रहा है कि पिछले साल नालों इस साल ज़्यादा ठंड पै रही? हाँ जी हाँ जी, आ थोड़े दिन बहुत ज़्यादा हो गई ठंड, बहुत ज़्यादा पै रही है। अज भी मैं न्यूज़पेपर से पढ़ रहा कि देख रहा कि पिछले मतलब 2-3 तो बाद इस ठंड पई है, पर जिदे नाल पूरा जिहड़ा माहौल है आन जान दा जां कोई काम करन दा काफ़ी प्रभावित हो रहा है, धुंद बहुत पै रही है पिछे कुछ दिनों तो, जिदे करके भी काफ़ी आवाजाई दा असर पै रहा, रोज़ सुनन नूं आ रहा कि एक्सीडेंट हो रहे है, मतलब काफ़ी मिसहैपनिंग्स हो रही वे, तो काफ़ी असर पै रहा इसका काम अपने काम कार च भी बड़ा असर पै रहा ठंड, क्योंकि दिन खुलदा 12-12:30 तो बाद दिन खुलदा है, जो तो कस्टमर निकलता वे अपने घरों दुकाना ने अपने कुछ परचेजिंग करने वास्ते, तो थोड़ी देर बाद ही शाम को रात मतलब दिल ढलना शुरू हो जाता है, धुंद भी जल्दी पै जाती है, जिदे करके कस्टमर अपने घर वापस चले जाता है, तो काम कार में काफ़ी इफेक्ट पै रहा इस चीज़ का। सर पिछले साल नालों इस साल लगता कि बहुत ठंड पै रही है? हाँ बिल्कुल जी, मैं तुम्हें पहले ही कहा कि टैंपरेचर पढ़ रहे बठिंडे 0.4 डिग्री टैंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है, जलंधर विच भी 2-3 डिग्री टैंपरेचर माइन मतलब घट तो घट रिकॉर्ड किया गया, इहदा मतलब है असीं कदी नहीं सुनिया कि इन्ना टैंपरेचर घट सी, इहदा मतलब ही कि ठंड बहुत पै रही है। सर संघनी धुंद पै रही हाईवे ते, इस टाइम की प्रैफर करदे हो क्योंकि अपनी गड्डी जाना बड़ा रिस्की है? सर देखो जिन्होंने रूटीन में अपने काम काज में जाना वे, किसी ने अपने ऑफिस जाना वे, जां कोई भी काम ते जाना, कई रूटीन होंदी है उन्होंने जाँच बड़ी मुश्किल होंगी है, क्योंकि उन्होंने पहुँचना भी होंगे अपने दफ्तर च या जिते भी उन्होंने कोई काम काज हैगा पहुँचना होंगे वे, पर धुंद कर कारण काफ़ी मुश्किल आदि वे, लेट भी हो जाता बंदा, या कहीं ना कहीं आप रोज़ देखते हैं कि जिदे नाल एक्सीडेंट्स भी बड़े होंगे है, तो मैं सबनों ही कहता कि जरूरी हो तो ही निकलना चाहिए वे, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए वे हाईवे तो सफ़र करना जी, मैं तो यही अपील कराँगा सारे। हाँ जी सर, की नाम है? मेरा रमनप्रीत सिंह। सर इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा पै रही है, तो संघनी धुंद भी हाईवे तो देखने को मिल रही, काम करते कितना कसर नज़र आ रहा? काम करते हैं तो भाजी बहुत इफेक्ट रहा, ये की होंगे कि जो तक दिन शुरू होंगे धुंद रही है, 12-1 बजे तक धुंद रही हाईवे पर, जो कस्टमर शहरों बहर आने वाला होंगे ना वो दिक्कत आती है जी, वो फिर धुंद करके तुम्हें पता इस टाइम एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कस्टमर जोड़ा वो डरता आने तो, जो तक वो आंदा शाम पै जाती उदों तक फिर धुंद दोबारा शुरू हो जाती है, इफेक्ट मार्केट का तो काफ़ी पे इस चीज़ का। हाँ फर्क तो भाजी हर चीज़ में ही पैंता जी, फर्क तो ज़्यादा ठंड ना भी नुकसान है तो ज़्यादा गर्मी ना भी नुकसान होता है जी, इस चीज़ का तो कस्टमर गल पता कि एक कस्टमर की कुछ परचेज पावर भी घट है इस टाइम, ठीक है जी, इस टाइम महंगाई है हर चीज़ का, वो करके भी फर्क पैंता, उतो ठंड भी तुम कह सकते हो ठंड भी बहुत है इस चीज़ का, कस्टमर घरों निकलने वेले भी 10 बारी सोचता, बहुत औखा होता जी, अपना नहीं निकलने तो दिल करता जी करो, कस्टमर भी अपनी जगह सही है जी इस चीज़ बारे। जो तो हाईवे ते हुण जा रहे हो की प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि अपनी गड्डी जाने समय रिस्की है? बहुत ज़्यादा भाजी, असीं तां सगों सारयां नूं कहिंदे कि इस टाइम ट्रैवल बहुत जरूरी होए तां ही करो।
नहीं तो ट्रैवल ना करो, ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि धुंद बहुत ज़्यादा है इस टाइम। हाँ जी सर, की नाम है? हरप्रीत सिंह सचदेवा जी। सर इस साल ठंड बहुत ज़्यादा पै रही है, तो काम कार से किदा असर देखने मिल रहा? कम कार की होना जी, सवेरे उठो पहले 10 तो पता ही नहीं लगता कदों वजे ने, फिर आओ दुकाना पर आओ, सफाई सफुई करो, गाह तो शुरू नहीं होंगे, गाह जाके एक बजे शुरू होंगे, जिसल गाह शुरू होंगे तो दो घंटे लगते हैं, डेढ़ घंटा, उस तो बाद फिर धुंद पैनी शुरू हो जाती है, गाहक की वापसी हो जाती, पिंड वाले तो पहले ही दौड़ जाते हैं, वो कहते धुंद इन्नी एवं एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं अजकल, इस करके वो अवॉइड करते हैं शहर चेरे ना, वो वापस चले जाते हैं। तुम बाजार वाल कैमरा मारो, कोई इक्का दुक्का नज़र बंदा आएगा, कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई वह भी शहरी बंदे नज़र आ रहे हैं, कोई बाहरों बंदा कोई कस्टमर अजे नज़र नहीं आ रहा। नहीं निकलेगा, घर बैठे रहेंगे, इस करके सब तो वड्डा इफेक्ट है मंदी का, कि बाजार च धुंद करके काम नहीं है। सर असं देख रहे कि हाईवे इस समय बहुत ज़्यादा संघनी धुंद पै रही है, तो की प्रैफर करते तुम, क्योंकि इस समय अपनी गड्डी जाना बहुत रिस्की है? देखो सब तो वड्डी गल है वै कि किसी को खास काम लोड हो जाए, नहीं तो उन्होंने घर रहना चाहिए, क्योंकि इन्ने एक्सीडेंट हो रहे, रोज़ पेपर ही पढ़ी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कीमती जाना जा रही ने, इस करके असं लोगों को अपील करते हैं कि अपने घर बैठन, जिस खास काम हो जान, वह भी दोपहर वगैरह धुंद घट जाए, नहीं तो अपने घर बैठन।